दोस्तों आज की कहानी है, ससुर जी मेरे से ये उम्मीद कभी मत रखना कि मैं ससुराल आऊंगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। गोद में बच्चे को लेकर आंसू नहीं बहाते, बहु माँ के आंसू बच्चे को पड़ जाते हैं। सास ने गोद में बच्चा लेकर रोती नीतू को समझाया, नीतू उन्हें तुम्हें कहा ना मैंने कि मैं बहुत खुश हूँ, घर वाले भी बहुत खुश है, पर तुम हो कि समझने के लिए तैयारी नहीं हो। हाँ ठीक है, तुम्हारी और हम सब की इच्छा थी कि हमारा बेटा हो, पर हो गई बेटी, कोई नहीं बेटा बेटी दोनों, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हमारे घर आया है उसका स्वागत है, और तुम तो माँ हो, तुम ही ऐसा करोगी। तो कहते हुए शुभम ने नीतू की गोद से बच्ची को उठा लिया और दुलारने लगा। नीतू उठकर शुभ साप बाथरूम घुस गई और नल और झरने को पूरी तरह खोलकर उसकी तेज आवाज में फूट फूट कर रोने लगी। हाँ सही है, वो बहुत दुखी है, बेटी के होने से उसका पहला बच्चा है, फिर भी अल्ट्रासाउंड के वक्त भी हर बार वह डॉक्टर से पूछती थी कि उसके गर्भ में लड़का ही है ना, और डॉक्टर कहती नीतू लड़का हो या लड़की, ये तुम्हारी पहली संतान है, इसके एहसास को महसूस करो और लड़का लड़की में ना उलझ कर अपने मातृत्व का हर पल आनंद, हर लम्हे को यादगार बनाओ। और तुम्हारे पति और घर वाले भी तो ऐसे नहीं लगते कि तुम उनके दबाव में ऐसा सोच रही हो, कैसे खोल कर रख देती सब कुछ किसी अनजान के आगे। दर्द की पर्वती ही ऐसी होती है, अंदर ही अंदर पिघलाती है, उसकी था सिर्फ उसे ही होती है जिस पर बीतती है। इसमें कोई शक नहीं कि शुभम एक अच्छे और केयरिंग पति हैं, पर काश कि वो एक अच्छे दामाद ना सही अच्छे इंसानी बन जाते, क्या कसूर था उसका और उसके परिवार वालों का, यही ना कि उन्होंने शुभम को दामाद नहीं घर का आदमी समझ लिया था। छोटे भाई नमन की शादी में गई खुद नई नवेली नीतू को, होश कहाँ था कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उसके पति को कोई सृष्टि ना हो, कोई कष्ट ना पहुँचे। मम्मी पापा ने तो जब से उसकी शादी हुई हमेशा यही कहा, अब हमारे दो बेटे हो गए, शादी में नमन तो हमेशा शुभम के आगे पीछे ही करता रहा, पर शायद शादी के विधि विधानों में व्यवस्थित होने के बाद शुभम को कुछ ऐसा बुरा लग गया हो और दुख पहुंच गया हो, पर उसके लिए शादी बीच में ही छोड़कर चला जाना और किसी को यहाँ तक कि नीतू को भी ना बताना क्या सही था। अब किस बात से गुस्सा होकर चले गए, एक बार बताया तो होता, लोग रिश्तेदार क्या क्या सोच रहे होंगे। नीतू ने शुभम के चले जाने का पता सुनते ही उसे फोन किया, भारी पत्नी पति चला गया, उसकी कोई फिक्र नहीं, लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे ये चिंता है, सही है, जैसे घर के लोग हैं वैसे ही तुम भी तो होगी ना। शुभम आप अभी गुस्से में है इसीलिए होश नहीं कि क्या क्या बोल रहे, मम्मी जी को फोन दीजिए मैं उनसे बात करती हूँ। मम्मी पापा को इसमें मत घसीटो और सुनो, आज के बाद तुम जब सब जितने दिन सब जाकर अपने मायके में रह सकती हो, पर मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ने लाने या वहाँ समय बिताने जाऊँ। और अब इस सदर्भ में और कोई बात नहीं कहकर शुभम ने फोन काट दिया था। अब ये सारी बातें हार्ट पेशेंट पापा को तो कुछ बताने का सवाल ही नहीं उठता था, मम्मी और भाई समय के साथ समझ जाएंगे, पर रिश्तेदारों के आगे
झूठ झूठ का फोन लगा कर वो खूब बोली, एक आप भी नौकरी करते हो क्या? साले की शादी से बढ़कर भी कोई काम होता है? आप नहीं बोल सकते तो अपने बॉस से मेरी बात कराओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आप सुबह सा वापस आ जाओ। एक कुशल अभिनेत्री भी है उसके अंदर, वह उसी दिन जान पाई थी अपने आंसू को छुपाना और नौकरी की व्यवस्था के उस झूठ को निभाना कितना कठिन था, पर सब कर गई। उसे लगा था शैक्षणिक नाराजगी है, दूर हो जाएगी, वह जब शुभम के पास जाएगी तो समझाएगी उसे, पर शुभम तो मानो लक्ष्मण रेखा खींच कर लौटे थे उसके मायके से। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी छोड़ दूंगी अपना मायका, उसने झूठी धमकी भी दी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सास ससुर को समझाने का तो उन्होंने भी संभव के बचपन जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया, उसके बाद उसे भगवान भी नहीं बदल सकते कि आदत को बता कर असमर्था जता दी। से महीने की शादी में से शक्कर लगा सूखे बेटी नमा दामाद जब दो तीन महीने नहीं आए तो मम्मी पापा चिंता हुई, पर नीतू ने उन्हें किसी तरह बहला दिया। तीसरे महीने दोनों खुद आ गए। शुभम ने सामने पढ़ने पर भी बहुत संक्षिप्त बात की तो उन्हें शक हो गया। वह हाथ जोड़कर बोले, शुभम बेटे अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो माँ बाप समझकर माफ कर दो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कह कर तो निकल गए शुभम, पर अपने उस दायरे से नहीं निकले। नीतू को लगा था कि शायद बच्चा आने की खुशखबरी शुभम को बदल दे। उसने सबको खुशखबरी देने के बाद उसने शुभम को प्रश्न सी देख कर कह ही दिया, शुभम मम्मी पापा को जाकर ये खुशखबरी सुनाए, गाड़ी लेकर चली जाओ। अचानक मानो शुभम का मुख हसीला हो गया। फिर तो नीतू ने भी सोच लिया कि वह ना मम्मी पापा को खुशखबरी देगी और ना ही वहाँ जाएगी। ऐसे भी भाभी नव्या ने भी खुशखबरी देकर उनकी वेशभूषा तो बढ़ा ही दी थी, पर नीतू में उनकी जान बचती थी। तभी तो सबके बाद दोनों यही कहते, बार बार हम नाना नानी भी बन जाते तो हमारी खुशी की सीमा नहीं होती। गर्भावस्था की कोई भी बात मूड में बदलाव खाने की बदली ऐसा दर्द एहसास मुंह पर आते आते रह जाते, पर वो उन्हें नहीं बताती। वीडियो कॉल से भी बसने लगी थी। एक बार जब पापा ने रोकर कहा था कि बेटी एक बार मुंह दिखा दे, तरस गया हूँ तुझे देखने के लिए, तो उसने कॉल किया था। सारा घर इकट्ठा हो गया था, भाई और नौकर तक, दीदी ससुराल का पानी जम रहा है आपको। कमला बाई ने उसके भरे भरे चेहरे को देखकर कहा था, उसे क्या पता था कि बात क्या है। नीतू ने ठंड के चलते शॉल ओढ़ रखा था। शुभ नजर मत लगा मेरी बच्ची को, भगवान इसे हर खुशी दे, अपने ससुराल में खूब खुश रहे मेरा बच्चा, भरे नैनों से मम्मी ने झिड़का कमला को। यहाँ तक कि अस्पताल जाते वक्त भी मम्मी का फोन आया तो उसने नहीं उठाया, सोच कर कि कहीं मम्मी उसकी आवाज़ से पकड़ ना ले। बहू बाहर निकलो, बच्ची भूख से बहुत रो रही है। सासू माँ ने बाथरूम का दरवाज़ा पीटा तो वो अति से वर्तमान में आ गई। अच्छे से दूध क्यों नहीं उतरा, नरस ने आकर फिर कोशिश करते हुए कहा तो मन किया सिला कर कहीं ममता और ममता का इस तरह ही सूख गया तो कहाँ से उतरेगा अमृत। अगले दिन घर जाने के बाद बच्ची के स्वागत की पार्टी और तैयारियों में लगा शुभम जब जब अपनी बेटी को दुलारने आता, नीतू को खुश रहने का ज्ञान देकर जाता। काश वह ज्ञान और भावनाओं की वक्त और जरूरत का अंतर भी समझ पाता। देख लो मेहमानों की लिस्ट और सारी तैयारियों का ब्यौरा, कोई सूट साट गया हो तो बता देना, सरसरी निगाह डालते ही
18वें नंबर पर अपने पिता का नाम लिख गया। उमा का तो उपाध्याय को बुलाने की कोई जरूरत है क्या? अच्छा अब समझा, तुम्हारे गुस्से के बारे में चिंता मत करो, मम्मी ने कल ही उन्हें फोन करके खुशखबरी दे दी है। क्यों दी? कहा था क्या किसी ने देने की उनकी बेटी और उससे जुड़े जज्बातों का? तो खून उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने बेटी ब्याही थी। जब बेटी ही नहीं तो फिर उसके बच्चे का क्या? देखो नीतू, ये सब बातें मत बोलो, मैं कभी नहीं आया तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच में, ना तुम्हें कभी जाने से रोका ना फोन करने से। अब मैं उस घर का तीसरा आदमी, क्या करूं ना करूं ये तो मेरी मर्जी है ना। बाप आप हो और मैं हूँ, कोई भी इंसान अपनी बेटी की शादी क्या करता? बेटी भारी होती है या फर्ज उतारना होता है? नहीं, इसलिए कि उसे समझने वाला एक साथी मिले जो उसका उम्र भर साथ निभाए और उन्हें दामाद के रूप में एक ऐसा बेटा मिल जाए जिसे वह ने जन्म ना दिया हो, पर वो उनकी बेटी और उसके माता पिता की भावनाओं को समझे। वह उनकी बेटी से शादी करके तीसरा आदमी नहीं बनता, पहला बन जाता है। शुभम, पर मेरे मम्मी पापा को क्या मिला? बेटी अपनी नई घर गृहस्थी में खुश है, माँ बाप को इतने से ही संतोष हो जाता है, समझी तुम? शुभम कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। वह बहुत अच्छी बात हो मिस्टर शुभम त्रिपाठी, 20-22 साल बाद आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा कि आपकी बेटी भी शादी करके आपको टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। भले अपने जीवन में सुखी रहेगी पर वह और उसके पति भूल जाएंगे कि आप भी इस दुनिया में है, ठीक है ना? क्या अंक सट बक रही हो तुम? संभव के भीतर कुछ जोर से कसका, हाँ हो सकता है उसका पति भी उसे अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की आज़ादी दे दे, पर महीने दो महीने साल भर बाद भी एक तरफा निभाते निभाते थक जाएगी। आप उससे मिलने जाएंगे तो अपने पति द्वारा आपकी उपेक्षा नहीं सह पाएगी, तो अगली बार से आपके आने की बात पर बहाने बना देगी, फिर अपना हर सुख दुख छुपाने लगेगी, बाथरूम में जाकर रोएगी, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सरस में अपने लिए बेटा मांगती फिरेगी ताकि उसकी बेटी ना हो और उसे उस दुख सोब पीड़ा से ना गुजरना पड़े जिससे वो गुजरी है। इस बार शुभम बच्ची को गोद में उठाए सर झुकाकर सब सुनता रहा, फिर बच्ची को पालने में डालकर निकल गया। मन के भड़ास निकाल कर नीतू भी अब बहुत का महसूस कर रही थी खुद को। पहली बार उसने अपनी बच्ची को भरपूर नजरों से देखा और पालने से उठाकर गोद में लेकर सीने से लगाया तो गजब सा महसूस हुआ और उसे अपनी साथी में भारीपन का महसूस होने लगा। बच्ची पेट भरकर चैन से सोई। एक एक घंटे पर आकर अपनी बच्ची को दुलारने वाले शुभम को 2-3 घंटे न आते देख नीतू थोड़ी परेशान हो उठी। कमरे से बाहर आकर सास से पूछा तो वह बोली, वह तुम्हारे मायके गया है। बहु नीतू की खुशी शब्दों से परे थी। पापा सही कहती हैं, जो सर कहीं नहीं झुकता वो अपनी संतान की बात आने पर कहीं भी झुक जाता है। भगवान को कोस रही थी वह कि उसे बेटी क्यों दी, पर शायद बेटा होता तो ये ऐसा शुभम कभी महसूस कर पाते कि एक बेटी ने आकर दूसरी बेटी का मार्ग प्रशस्त कर